Good morning, students. How are you all today? I hope you all are well and doing your studies also. So today we will do revision of chapter number 1, numbers and enumeration, because very soon you are going to get your online test of chapter number 1, numbers and enumeration. So today we will revise this chapter. We shall start with periods. What are the periods? There are the numbers. In numbers, some digits are divided in some group in some periods. Now we will see how many periods are there. Suppose I am taking here an example of 6-digit number 7, 8, 9, 1, 2, 3. What is the place value of each digit here? That is ones, tens, hundred, thousand, 10,000 and lakh. So according to Indian place value system, we have to put the comma in this number and we have to see how many periods are there. इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में जो आपकी लास्ट की 3 डिजिट्स होती हैं, दैट इज वंस, टेंस एंड हंड्रेड, 1, 2, 3, ये एक पीरियड में कंसिस्ट होती हैं. इस पीरियड को कहते हैं हम वंस पीरियड. बाकी की तो जो डिजिट्स हैं 1000 और 10,000 प्लेस पर, ये जो 2 डिजिट्स होती हैं, ये 1000 पीरियड्स पे आती हैं. नेक्स्ट जो 2 डिजिट हैं, लाख और 10 लाख, यहाँ हम सिर्फ 6 डिजिट ले रहे हैं. जब हमारे पास 7 डिजिट नंबर होता है, सपोज कीजिए यहाँ 8 है, सॉरी सपोज कीजिए यहाँ 8 है, तो ये आपका 10 लाख प्लेस पर आ गया. तो ये लाख और 10 लाख भी आपके एक पीरियड में कंसिस्ट होते हैं, जिसे लाख पीरियड कहते हैं. तो हम यहाँ देख सकते हैं देर आर 3 पीरियड्स वी हैव एंड ईच पीरियड इज डिवाइडेड बाय द कॉमा. इन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम हमारे पास क्या होता है, हम राइट मोस्ट डिजिट से शुरू करते हुए पहले एक पीरियड के बाद, फिर देन दूसरे पीरियड के बाद, और फिर थर्ड पीरियड के बाद कॉमा लगाते हैं. इन द स्टार्टिंग वी डोंट नीड टू राइट द कॉमा और पुट द कॉमा, देर इज नो नीड. सिमिलरली वेन आर सेइंग अबाउट द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, जब हम इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल में भी पीरियड्स जो होते हैं किस तरह से ग्रुप्ड होते हैं, डिवाइड होते हैं. सपोज अगेन आई एम टेकिंग हियर द एग्जांपल ऑफ 7 डिजिट नंबर 7, 8, 9, 1, 2, 3. अगेन 3 जो है वो वंस प्लेस पर है, 2 टेंस प्लेस पर है, 100 प्लेस पर, 9000 पर है, 8 10,000 पर है, और 7 जो है आपका वो 100,000 पर है, प्लेस है. 100,000 क्यों? क्योंकि ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है. यहाँ हर एक पीरियड जो होता है उसमें 3 प्लेस वैल्यू कंसिस्ट होती हैं. पहला जो पीरियड होता है उसमें 3 प्लेस वैल्यूज होती हैं, वंस, टेंस एंड हंड्रेड, और इस पीरियड को हम बोलते हैं वंस पीरियड. सिमिलरली जो सेकेंड पीरियड होता है इसमें भी ये 3 डिजिट होती है, 1000, 10,000 एंड 100,000, और इस पीरियड को हम क्या कहते हैं, 1000 पीरियड. नाउ इसे हम रब कर देते हैं. जैसा कि हमने इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में देखा था कि ईच पीरियड हैज डिवाइडेड विद द कॉमा, इन दिस इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम ऑल्सो ईच पीरियड विल डिवाइडेड बाय द कॉमा. हमें हर एक पीरियड के बाद यहाँ कॉमा लगाना है. इंडियन प्लेस वैल्यू और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है. इंडियन प्लेस वैल्यू में फर्स्ट 3 डिजिट के बाद कॉमा, देन 2 डिजिट, देन 2 डिजिट, और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में आफ्टर 3 डिजिट यू हैव टू पुट द कॉमा. और सेकंड टॉपिक इज सक्सेसर एंड प्रेडेसेसर. व्हाट इज सक्सेसर एंड व्हाट इज प्रेडेसेसर? सक्सेसर, आई थिंक यू ऑल नो वेरी वेल व्हाट इज सक्सेसर एंड व्हाट इज प्रेडेसेसर. सक्सेसर मीन्स द नंबर comes after the given number, and predecessor the number comes before the given number. Suppose I am taking here an example 6, 5, 4, 3, 1, 2. What is the successor? Just add 1 in it, you'll get the successor 6, 5, 4, 3, 1, 3. Similarly, just deduct 1 from the given number, this one 6, 5, 4, 3, 1, 2, -1, and you will get the predecessor. Successor निकालने के लिए हम
हमेशा ऐड करते हैं और प्रेडेसेसर हमें फाइंड आउट करना है तो हम गिवन नंबर में से माइनस करते हैं वन. नेक्स्ट है टॉपिक आपका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. व्हाट इज असेंडिंग एंड व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर आई होप यू ऑल नो. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स असेंडिंग ऑर्डर मीन्स टू अरेंज द नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. जब हम छोटे से बड़ा नंबर ले जाते हुए क्रम में रखते हैं तो दैट इज कॉल्ड असेंडिंग एंड जब हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस. आई एम टेकिंग हेयर सिक्स डिजिट नंबर टू अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर 152321 152113 and 152134. Now arrange them in ascending order. Start from first digit 111555222311. So 1 and 1 are smaller than 3. Now compare these two numbers. There is 1 on 10th place, there is 3 on 10th place. So this one is smallest. So firstly we will write this number 152113. After that, this number 152134, and last one, the greatest one 152321. Always remember one thing, kids. When you are arranging the numbers in ascending order, put the sign of less than. It is less than. Why I am saying so? Because this number is smaller than this, and this number is smaller than this. We are going from smallest to greatest. In descending order, you have to do the reciprocal of it. Firstly, we will take the greatest number 152321 is greater than 152134 is greater than 152113. In descending order, this one is greatest and this one is smallest. Now move to another topic, which is comparison of number and expansion of numbers. Expansion of numbers. What is expansion of numbers? To write the numbers with their multiplied with their particular place value. Again, I'm taking an example of six digit number 791236. Firstly, we will see what are the place value of each digit here. Ones, tens, hundred, thousand, 10,000 and lakh. Now multiply the each digit with their particular place value. 7 is on lakh place. So we will multiply it by lakh. 9 is on 10,000 place. We will multiply it by 10,000. 1 is on 1,000 place. We will multiply it by 1,000. 2 is on 100 place, multiplied by 100. 3 is on 10th place, multiplied by 10. And 6 is on 0 place or 1's place, so we'll multiply it by 1. Okay? Now 7 lakh plus 90,000 plus 1,000 plus 200 and 30 plus 6. This is called the expanded form of the given number. Now comparison of number. In comparison of number, we just want to see which one is greater and which one is too smallest. And we have to compare. We have to put the sign of less than, greater than and equal to. Comparison of number. Again, taking two numbers. 123126 and 123326. See, in both the numbers on 100 place there is 1 and there is 3 and all the other digits are same. So 100 is greater or 300 is greater? Yes, 300 is greater. So we will put here the sign of less than because this number is less than this. Again, second example, 569213569204. Now again here 5692 are similar. Here is 13, here is 4. Which one is greater?
Yes, 13 is greater. So we will put the sign here like this. This number is greater than this. And the third case is when the numbers are similar to each other. 7, 8, 9, 1, 0, 4 is equal to 7, 8, 9, 1, 0, 4. Both the numbers are same, the digits are same, and the numbers all are also same in both the numbers. All the digits are same, so we will put here the sign of is equal to. Okay. Now our next topic is round of figure. It is our last topic. Round of numbers. How will you round off the given numbers? Suppose we have to want nearest tens. We want to do. I'm taking here two digits example 56. How will you round off to nearest tens this number? Tens. We will see the tens place value. If the number after tens place value is less than 5, अगर आपका नंबर टेंस प्लेस के बाद वाला जो नंबर है, अगर आप नियरेस्ट टेंस कर रहे हो, इसके बाद वाला नंबर अगर आपका 0, 1, 2, 3, 4 है, तो आपका टेंस प्लेस का जो डिजिट है वो चेंज नहीं होगा, एज इट इज आएगा और उसके बाद सारे डिजिट आपके जीरो हो जाएंगे. लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है, 6. जब नंबर 5 या 5 से बड़ा हो तो आपका जो टेंस प्लेस पे डिजिट है वो नेक्स्ट नंबर में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद सारे डिजिट क्या हो जाते हैं, जीरो. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ 100. नियरेस्ट 100 हमें करना है 456 को. नियरेस्ट 100, सी द प्लेस वैल्यू ऑफ 100, हियर इज 4. 4 इज ऑन 100 प्लेस, सो आफ्टर 4 देयर इज 5. 5 है तो हमें क्या करना होगा, इस 4 को हमें नेक्स्ट नंबर पे कन्वर्ट करना होगा, दैट मीन्स 5. और 4 के बाद जितने भी हमारे डिजिट हैं वो उनकी जगह क्या हो जाता है, जीरो. या हम कह सकते हैं 456, 400 और 500 में से किसके ज्यादा पास है, 500 के, देन वी विल राइट द 500. इट इज कॉल्ड द राउंड ऑफ फिगर ऑफ गिवन नंबर. होपफुली दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू एंड यू ऑल विल टेक अ प्रॉफिट ऑफ दिस एंड यू विल डू योर प्रिपरेशन वेरी perfectly. So all the best for your test. Goodbye and take care.